केरल और पंजाब के बाद अब राजस्थान सरकार भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए सरकार की ओर से विधानसभा सत्र में मुद्दा उठाने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा सत्र की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी का भी विरोध सामने आने लगा है। वहीं विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारियों पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। दरअसल प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि सरकार संविधान के खिलाफ जाने की कोशिश कर रही है। राठौड़ ने कहा कि नियमों के मुताबिक सत्र से पहले कम 21 दिन का नोटिस देना चाहिए था, लेकिन सरकार नियमों को दरकिनार करते दिखाई दे रही है। सरकार ने आनन फानन में जिस तरह विधानसभा का सत्र आहूत किया है, वो विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं की अवहेलना पूर्णतः की गई है। संविधान के प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत किया गया है।